टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं ध्रुव अग्रवाल, चेयरमैन गवर्निंग काउंसिल टिक्की, और आज हम आ पहुंचे हैं ईरोज होटल नई दिल्ली के अंदर। इस पंचसतारा होटल में एक हो रही है कॉन्फ्रेंस एसएमई फोरम के द्वारा, और साथ में है ऑल इंडिया वेस्ट व्यापारी फेडरेशन। तो आज एक ऐसी एंटरप्रेन्योर से हम आपको मिलाते हैं। यूं तो हमने सैकड़ों इंटरव्यू लिए यूनियन मिनिस्टर्स के, चीफ मिनिस्टर्स के, और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के, शंकराचार्य के, लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो सजाने संवारने का काम करती हैं, कॉस्मेटिक्स वो भी हर्बल और ऑर्गेनिक तरीके से, और जो भारत का नाम रोशन कर रही हैं, ऐसी रिमझिम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं नोएडा सेक्टर 6 में इंडस्ट्री चलाती हैं अपने बलबूते पे, क्योंकि हस्बैंड अलग इंडस्ट्री चलाते हैं आईटी की, लेकिन ये अपने बलबूते पे लोगों को रोज़गार दे रही हैं, सुंदर बना रही हैं। ऐसी रिमझिम जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। रिमझिम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे रिमझिम जी आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, और क्या है इसकी USP? हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी USP यही है कि ये नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हम बनाते हैं, और इन प्रोडक्ट्स में कोई केमिकल नहीं होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके सुंदर बने प्राकृतिक तरीके से। हमारे प्रोडक्ट्स का नाम है तात्विक, तात्विक हमारे ब्रांड का नाम है, और हमारे प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और कई सारे वेबसाइट्स जैसे मिंत्रा, और हमारे अपने वेबसाइट tatvikayurveda.com पे भी आपको मिलेगी, जहाँ से आप खरीद सकते हैं, और आप खरीद के दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने परिवार में अपने दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली जब भी आपको समय मिले, आप हमारे जो वेबसाइट है उसको अवश्य विजिट कीजिए, tatvikayurveda.com। क्या आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होता है? होता है तो कितने देशों में? एक्सपोर्ट जो है प्रोडक्ट्स के, डायरेक्ट एक्सपोर्ट हमने अभी बहुत दिसंबर से ही स्टार्ट किया था, शुरू की थी दिसंबर, एक महीना हो गया है। और जो ऑनलाइन हम रिटेल कर रहे हैं, ये हम एक साल से रिटेल कर रहे हैं। इंटरनेशनल वेबसाइट्स जो हैं, जो मल्टीपल कंट्रीज़ में प्रोडक्ट्स को रिटेल करते हैं, हम उनके थ्रू कर रहे हैं, और डोमेस्टिक में हम अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के थ्रू कर रहे हैं। अभी हमारी कोशिश है कि इस साल में जो 23 के जो अभी हमारे नया साल अभी शुरू हुआ है, इस साल में हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट 10 से 15 नए पोर्टल्स में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, हमारे प्रोडक्ट्स उसमें लग जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं। हम लोगों ने एक जैविक फार्म डेवलप किया है 5 एकड़ का, और जैसा कि आपसे बातचीत में पता लगा, आप वेलनेस सेंटर भी बनाना चाहते हैं। क्या आप बड़े लेवल पे जहाँ पर योगा भी हो, वेलनेस भी हो, इस तरह का कुछ खोलने का प्लान कर रहे हैं? अवश्य कर रहे हैं। हम अभी एक प्रोटोटाइप लेके चल रहे हैं, एक छोटी लेवल पे एक एक्सपेरिमेंट के तहत हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटे सेंटर जो हमारे अपने मतलब फैक्ट्री के साथ ही है, एक हमारी जगह है जहाँ पे हमने एक वेलनेस सेंटर का स्थापना किया है, और वहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों को जोड़ के, जैसे योगा, आपने योग बताया, आपने जनरल वेलनेस, आजकल जैसे जहाँ हम बेस्ड हैं, जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, उसके आसपास बहुत सारे आईटी पार्क्स हैं, आईटी जैसे सेक्टर 62-63 नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरफ भी। तो हमारे कई सारे ऐसे वेलनेस प्रोग्राम्स भी हम करते हैं, जिसमें जो आजकल के यंग जनरेशन के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो कंपनीज़ में काम करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके माइंड बैलेंस्ड हों, उनके लाइफ और वर्क में, काम और अपने पर्सनल लाइफ में वो बैलेंस लाएँ, तो ऐसे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम करते हैं। उसमें वेलनेस में योग के भी सेशंस होते हैं, योगा सेशंस होता है, वेलनेस नॉर्मल सेशन होता है, सेल्फ डिफेंस सेशंस होता है, हाँ, महिलाओं के लिए खास करके। तो बहुत अच्छा है, हाँ, हाँ, हम एक पुलिस पब्लिक संस्था के थ्रू एक 15 तारीख को भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं होटल ललित के अंदर, आप उसमें भी आइए। एक इसी तरह ये पुलिस पब्लिक है, एक पब्लिक पुलिस नोएडा में भी, जो नोएडा के CEO देवदत्त जी इसके CEO हैं, और KG बाला कृष्णन जी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जी। तो हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं जो है ना, क्योंकि आपको पता है निर्भया कांड हुआ, अभी भी जो है महिलाओं के साथ जी।
तो अभी मैं एक आपको इंसिडेंट बताना चाहूँगी, ये 2 महीने पहले की बात है एक्चुअली, हाँ 2 महीने पहले की बात है। तो हमारे एक संस्था है एस प्रो, तो एस प्रो के थ्रू हम क्या करते हैं, हम कंपनीज में जैसे यंग एग्जीक्यूटिव्स हैं और हमारे जैसे फैक्ट्री में महिलाएं हैं, हमारे महिलाएं ज़्यादा हैं, आई मीन अगर मैं बताऊं तो 90% महिलाएं हैं। टोटल कितना स्टाफ है आपके? 17 स्टाफ है, 17 हाँ, तो 17 में से मैं बोलूँगी 90% महिलाएं हैं। और इनके लिए हम सेल्फ डिफेंस सेशंस भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसको कहा जाता है कि रोड से वो जा रहे हैं, और ज़्यादातर जो हमारे फैक्ट्री में महिलाएं काम करते हैं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करते हैं, है ना, और मेट्रो से जाते हैं, या तो बस से जाते हैं, या तो ई रिक्शा से जाते हैं। तो इनके लिए हमने ऐसे सेशंस भी हमने ऑर्गेनाइज किया था और उनको ट्रेनिंग दी थी, जिसमें अगर रास्ते से वो जा रहे हैं तो कैसे वो अलर्ट रहे, है ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बस जो बहुत काम आती है, कुछ हम कभी कह नहीं सकते कि कहाँ कब क्या हो सकता है किसके साथ, बट सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे भी हम प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं अपने स्टाफ के लिए, अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, और ज़्यादातर वेलनेस में, और वेलनेस और अवेयरनेस सेशंस में, तो ज़्यादा इसको अवेयरनेस सेशन बोलूँगी, ये भी हम करते हैं। कोशिश रहती है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ नया चीज़ बताएं काम के अलावा भी। हाँ, तो ये है। बहुत अच्छा आपसे जानकारी मिली, और ये बहुत अच्छा है कि आप वुमेन्स के लिए काम कर रहे हैं, 90% स्टाफ वुमेन हैं, और रोज़गार भी दे रहे हैं, हेल्थ भी बढ़ा रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे हैं, और साथ में साथ आत्म सुरक्षा के लिए भी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमारे पास जब महिलाएं, शुरुआत में हमने महिलाओं को लिया था काम के लिए, उनको सिखाया था, तो जो ज़्यादातर महिलाएं थी वो कभी ऐसे भी थे कि जो कभी स्कूल नहीं गए थे, और कुछ महिला ऐसे हैं जो हाई स्कूल तक उन्होंने पढ़ाई की है। तो जो महिलाएं कभी स्कूल नहीं गए थे उनको हमने इतना तो अभी ट्रेन कर दिया है कि वो अभी कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं या किसी कस्टमर का ऑर्डर आते हैं तो उसको पैक करना उनको पूरी अच्छी तरीके से आता है। जो महिलाएं कुछ एक्सटेंड तक उन्होंने स्कूलिंग की थी या स्कूल गए थे, वो अभी कंप्यूटर से प्रिंटआउट वगैरह निकाल सकते हैं। और कोरोना के टाइम में बहुत ऐसे महिलाएं भी थी जिनके हस्बैंड्स के जॉब चले गए थे, बट उन्होंने अपने घर को संभाला, जबकि उनकी इतनी एडुकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने उनकी उनको ट्रेन किया और उनको हमारे टीम के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर बनाया। तो मैं कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो महिलाएँ नहीं कर सकते हैं, मतलब वो मन में वो होनी चाहिए अपने अंदर। विभिन्न टिक्की टाइम्स, विभिन्न प्लेटफॉर्म के थ्रू 1 करोड़ लोगों तक आपकी बात पहुंच रही है, कोई महिलाओं के लिए एक संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने ऊपर विश्वास हमेशा लगाए रहें, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये मैटर नहीं करता है कि कोई कितने शिक्षित हैं, कितने एडुकेटेड हैं, लेकिन अगर मन में वो एक अगर भावना है कि वो अपने ऊपर विश्वास अगर है तो कुछ भी कर सकते हैं महिलाएं। मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा आत्मविश्वास अपने पास होनी चाहिए। बहुत अच्छा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपने बताया महिलाओं में, और मैं हम फिर मिलेंगे आपसे और जानेंगे आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, और आपकी फैक्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और आपके फ्यूचर प्लान के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ध्रुव अग्रवाल, होटल हीरोज, दिल्ली। धन्यवाद।